जौनपुर सदर के शिवाजी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एवं सांसद राकेश सिंह के सानिध्य में चल रही खेल प्रतियोगिता सांसद खेल महोत्सव जो कि 12 जनवरी से 23 जनवरी तक शहर में आयोजित किया जा रहा है, इसमें विभिन्न पारंपरिक खेलों का समावेश है। इसी क्रम में आज फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में लायंस क्लब और यंग खालसा क्लब के बीच रोमांचक फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पेनल्टी शूटआउट के जरिए लायंस क्लब विजेता बना। सांसद खेल महोत्सव के फुटबॉल फाइनल मैच के दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहाणी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, क्षेत्रीय पार्षद अमित अग्रवाल सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, मैं तो आदरणीय राकेश जी को बधाई देता हूँ और एक जबलपुर खेलो या जैसा कार्यक्रम पूरे देश में चलता है ऐसा जबलपुर खेलो ये उनने टाइटल दिया है। और वास्तव में इस ग्राउंड में आप देख रहे होंगे हमारे दो टीम सामने हैं फुटबॉल की, और जैसा अलग अलग प्रकार के खेल और उनमें से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी, उनकी उपस्थिति और खेल में स्वयं शरीक होना और ये सूर्य नमस्कार के साथ में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। 12 तारीख से प्रारंभ होकर के 23 को इसका समापन होगा। हमारे खेल मंत्री जी भी आने वाले हैं। वास्तव में हमारे नौजवानों को खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आदरणीय राकेश जी ने उपलब्ध कराया है और ये प्रधानमंत्री जी की जैसे अपेक्षा होती है ठीक इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं तो एक बार पुनः आदरणीय राकेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।